तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जो आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला है सामने, साथ ही पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। घटना देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार सुबह जानकारी मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ऑफिस का मेन गेट टूटा हुआ मिला। ऑफिस में गमले भी टूटे हुए मिले। मौके पर लगे सीसीटीवी में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले में छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि देर रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुख्य गेट पर पत्थर फेंका गया, इससे गेट का एक हिस्सा टूट गया। हमला एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया। हालांकि इस दौरान किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई चोटें नहीं लगी है, ना ही कार्यालय के अंदर से कोई चीज गायब हुई। तोड़फोड़ के दौरान ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। निर्मल ने कहा कि किसी शराबी ने हंगामा किया होगा, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है।